नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करके चलता हूँ। दोस्तों, इस वक्त पर अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखकर चलोगे, इंडियन मार्केट्स को अगर आप देखकर चलोगे, और अगर आप जो हेज फंड्स हैं वो किस तरह की, जो कि जनरली शॉर्ट की पोजीशंस क्रिएट करते हैं, उनके स्टेटमेंट्स को सुनकर चलोगे, इसके अलावा एक कयोस को देख कर चलोगे, और आप अगर इसको एक ब्रॉडर माइंड से समझ पाओगे, तो मेरी ये वीडियो, मेरी ये बातें आप लोगों को बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत अच्छे समझ में आएंगी। देखो दोस्तों, जिस वक्त पर हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हम हमेशा ये बात जानते हैं कि ये एक ज़ीरो सम गेम है। इसमें आप अगर नुकसान करेंगे तो कोई तो आपके इस नुकसान में को से प्रॉफिट कमा रहा होगा। मतलब आज अगर आपने मार्केट में कोई नुकसान किया, चाहे बेशक आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो आपने अगर अपने प्रॉफिट को रिड्यूस किया, मतलब प्रॉफिट का एक पार्ट आपने अगर सेक्रीफाइस किया, तो ये पार्ट किसी न किसी के पास तो जाएगा, और किसी और का लॉस आपके पास में आपके प्रॉफिट बनकर आएगा। मतलब स्टॉक मार्केट में किसी एक के पैसे किसी दूसरे के पास में जाते हैं, ये आप सब लोग जानते हो। अब दोस्तों, इस वक्त पर मार्केट में जब भी कभी कोई न्यूज़ आती है, एक अच्छे ट्रेडर को या एक रिसर्च एनालिस्ट को या एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को या किसी भी एक आपके साथ पोर्टफोलियो मैनेजर को, हमेशा मार्केट को ट्रेड करते समय ये समझना होता है कि ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है, ये फ़ायदा किसका कर रही है, इससे कोई ना कोई तो लाभान्वित है। अब इतना तो बिल्कुल पक्का होता है कि मतलब कि एक आम इन्वेस्टर के हितों को सुरक्षित करने के लिए तो कोई न्यूज़ नहीं आती मार्केट में, इतना तो आप भी जानते हो। मतलब आज अगर किसी हेज फंड के जरिए, आज अगर किसी एक ऐसी कोई भी न्यूज़, मतलब आप समझ के लिए कोई भी न्यूज़ अगर आपके इसमें प्रचारित की जाती है, तो उस न्यूज़ को मतलब जो चैनल जिसका प्रचार करके चलेगा, जो लोग उसका प्रचार करके चलेंगे, उनकी कुछ तो कॉस्टिंग आती है, तो वो कुछ कॉस्टिंग समाज सेवा के लिए तो कर नहीं रहे होते हैं। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप उनके डिस्क्लोजर्स को पढ़कर चलोगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि उन्होंने अपनी पोजीशंस क्रिएट कर रखी थी, और ये भी आइडेंटिफाई कर रखा होता है कि पोजीशंस उन्होंने शॉर्ट की क्रिएट कर रखी हैं। अब दोस्तों, जिस वक्त पर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, तो हमें समझना होता है कि ये जनरली ऐसी जो न्यूज़ होती हैं, ये न्यूज़ उस वक्त पर आती है जिस समय मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन से उनके पास में होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन जोन के पास अगर मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाए, जो कि बाद में एक न्यूज़ के चलते पैनिक सेलिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका जो सबसे बड़ा मुनाफा होता है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कौन उठा कर चलते हैं? शॉर्ट सेलर्स कमा कर चल रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस समय पर नुकसान किसका होता है? रियल ट्रेडर का होता है। अब ऐसे समय में अगर आप बहुत ध्यान से समझो, तो FIs का और DIs का डेटा देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। क्या FIs, क्योंकि मतलब देखिए, इन्होंने पूरी रिसर्च की होती है और इनकी अपनी पोजीशंस बनी होती हैं, दोनों साइडों की पोजीशंस बन सकती हैं। जैसे कि अगर उन्होंने स्टॉक को बाय कर रखा है और फ्यूचर को उन्होंने शॉर्ट कर रखा है, तो मतलब कहने के उन्होंने अपनी पोजीशंस को हैच किया हुआ है। इन द सेम वे आप अगर यहाँ पर देख के चलेंगे कि DIs की कोई पोजीशंस, तो DIs ने भी अपनी जो पोजीशन बहुत सोच समझ के बनाई होती हैं कि आज किस भाव पर अपने स्टॉक्स को खरीद कर चलें और कितना खरीद कर चलें कि आने वाले वक्त में वो उसको एक सही रेट पर बेच पाएँ, और अपने जो मतलब अभी के DIs जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जनरली म्यूचुअल फंड्स हैं, ये एक ट्रस्ट होते हैं। इन ट्रस्ट के बेनिफिशरीज़ कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इन ट्रस्ट के जो बेनिफिशरीज हैं वो इन्वेस्टर्स हैं। और देखिए, मैं आपको किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन देके नहीं चल रहा, ना मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देके चल रहा हूँ, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिकल बातें समझ के चलिएगा। इन्होंने मार्केट में बहुत रिसर्च की होती है, मार्केट में हर चीज़ को बहुत बारीकी से पकड़ा होता है। अब दोस्तों, अगर आप ये समझ के चलो कि मार्केट में आपको शॉर्ट पोजिशंस के लिए प्रेरित करने वाले, मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ को लाने वाले का अपना हित इस बात में है कि मार्केट गिर जाए, और मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग मोड में आ जाएं, जहां पर वो अपने स्टॉक को किसी भी दाम पर बेच कर निकलें, तो दोस्तों ऐसी जगह पर इन लोगों का हित और हमारा हमेशा का हित। तो इन बातों को ध्यान में समझते हुए मैं आप लोगों को अपना एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझना, मार्केट जिस वक्त पर डिस्ट्रीब्यूशन जोन के पास होती है, ऐसे समय पर पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर लेना ही बेहतर रहता है। अब पार्शियल प्रॉफिट होता क्या है? देखो, पार्शियल प्रॉफिट का मतलब है कि अगर आपने किसी चीज़ को सिप्स के अंदर इकट्ठा किया। देखिए, मैं आपसे कहूँगा, मैं आपको अपनी एक मतलब रिसर्च बता रहा हूँ, और इसका मकसद ये नहीं कि आप इसके व्यापार को डिसीजन लें। तो दोस्तों, अगर आपने सिप्स के अंदर किन्हीं स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया, जनरली बड़े ट्रेडर्स इसी तरीके का कर रहे होते हैं, तो सिप्स के अंदर उन्होंने एक्यूमुलेट किया, तो आप ही देखिए उनकी जो पोजीशन बनती हैं, उनकी पोजीशंस इतनी हिडन होती हैं कि आपको पता भी नहीं चल पाती इन्होंने कब एक्यूमुलेट कर लिया। इनका ये एक्यूमुलेशन कई बार तो कई सालों तक चल रहा होता है। तो जनरली हम लोग एक साल का ड्यूरेशन लेके चल रहे होते हैं, और हम देख रहे होते हैं कि यार, एक साल के अंदर ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसको पर्टिकुलर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अब अगर उसे आपने सिप्स के अंदर एक्यूमुलेट किया, तो ये सिप आपकी वीकली भी हो सकती है, ये आपका फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन की भी हो सकती है, और ये जो सिप है हमारे पास, एक महीने की सिप भी हो सकती है। मतलब महीने की सिप में उसकी 12 सिप्स हो गई, या 6 सिप हो गई, किसी की 7 सिप हो गई। जिसने वीकली करके चला, उसने 40 सिप, 50 सिप या 52 सिप्स के अप्रॉक्सीमेटली उसने उसको इकट्ठा कर लिया। इसी तरीके से 25-26 सिप्स भी किसी की हो सकती हैं।
अब 25 से 26 सिप्स के अंदर मैं मान के चलता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली हमने मान लीजिए 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किए होंगे। तो मान लीजिए अगर ये 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हमारे मार्केट के अंदर होती है और ये बढ़कर हमारे पास में 65,000 रुपये हो जाती है, तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट बढ़कर अगर 65,000 रुपये हो गई है और किसी वजह से आपके पास में ये घटकर वापस 60,000 रुपये हो जाती है, तब हमें ऐसी जगह पर 60,000 रुपये का पूरा प्रॉफिट बाहर निकाल लिया, मतलब 60,000 रुपये पूरा का पूरा बुक कर लिया, विद प्रॉफिट कैपिटल को बाहर निकाल लिया, 60,000 रुपये पूरा हमने बुक कर लिया। अब 60,000 पूरा बुक करने में क्या होगा, आपकी पूरी 50,000 की कैपिटल बाहर आ गई और 10,000 रुपये आपके इसमें प्रॉफिट भी आ गया। अब आपके पास में वो जो 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, अब आप वापस अपने अगर सिप को स्टार्ट करते हो, आपने वापस से अपने एक सिप को स्टार्ट किया, तो आपके पास में 3,000 की, 4,000 की, 5,000 की, 6,000 की, 8,000 की, 10,000 की सिप फिर धीरे धीरे करके वो 50,000 तक हो जाएगी। फिर जब वो 50,000 की इन्वेस्टमेंट वापस से 60-65-70,000 रुपये बन जाती है, तो इससे क्या होता है कि आप अपने उसी पैसे को मार्केट के अंदर घुमा कर चल रहे हो, मतलब जो आपके उसमें वही स्टॉक्स आपने सेलेक्ट कर रखे हैं, वही आपके पास में क्राइटेरिया आपका जिस हिसाब से सेलेक्ट करते थे, जब भी कभी आपको डिप्स पे मिला आपने उसको इकट्ठा किया और जब कभी ऊपर की तरफ गया तो आपने वहाँ पर प्रॉफिट को बुक कर लिया। तो दोस्तों किसी की बाहर की खबरों को समझते हुए, देखिए दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, मतलब ऐसे वो सभी लोग जो इस तरीके की खबरों को सपोर्ट करके चलते हैं, इस तरीके की खबरों को प्रोपोगेट करके चलते हैं और इस तरीके की खबरों में पैनिक मोड क्रिएट करके चलते हैं, दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा इससे बड़ी गद्दारी किसी इंसान के लिए नहीं हो सकती। मार्केट ने मतलब मार्केट में इतना कुछ है कि अगर आप ईमानदारी से और तरीके से अगर आप चल के चलें, तो यार देखो एक आपके पास में मतलब एक मार्केट के अंदर मार्केट में कई मौके हमारे को मिल जाते हैं, लेकिन तरीके से अगर आप मतलब एक सिस्टम को अगर आप फॉलो करके चलें तो मार्केट के अंदर कई तरीके मिल जाते हैं। अब आपका सिस्टम अलग हो सकता है, किसी और का सिस्टम अलग हो सकता है। जनरली मेरा जो सिस्टम है वो गुल्लक वाला सिस्टम है। मैं अपने सिस्टम के अंदर ये सोचता हूँ कि मैं किसी स्टॉक को उसका बिज़नेस समझ के एक्युमुलेट करना शुरू करता हूँ कि यार क्या बिज़नेस क्या है, उसके बिज़नेस के मॉडल को समझता हूँ, उसके टेक्निकल्स को देखता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उनसे मेरा बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा था और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, कुछ रिसर्च की ज़रूरत हो तो मुझे बताना अपनी। तो बड़ा प्यारा जवाब उन्होंने मेरे को दिया, बोले गौरव यार एक बात समझ, अगर किसी स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बिज़नेस मेरी समझ में आता है, तो जब भी वो स्टॉक सस्ता मिलेगा खरीदने में दिक्कत ही क्या है। तो बस उनकी ये बात मेरे को इतनी अच्छी लगी कि अगर आप उसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जाओ जिसका काम आपको समझ में आता हो, जिसका बिज़नेस आपकी समझ में आता हो। जैसे कि आप अगर किसी टेलीफोन ऑपरेटर के कस्टमर हो, उसकी सर्विसेज से आप अगर सेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि उससे से आपके मित्र भी सेटिस्फाइड हैं, और आप अगर उसके रेफरल किसी को देते हो कि तू ये वाला सिम यूज़ कर या इसका नेटवर्क बहुत अच्छा आता है, और वो उसको अगर खरीद रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मौत पब्लिसिटी से चीज़ आगे बढ़ रही है। मौत पब्लिसिटी से आगे चल रही है तो ये टेलीफोन ऑपरेटर आगे की तरफ बढ़ेगा और इसका ये आने वाले वक्त में एक अच्छा बिज़नेस क्रिएट करके चलेगा। और ऐसा पीछे हम लोगों ने देखा भी कि कई ऐसी कंपनियाँ थी जिन्होंने आपके पास में एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर हाई पर हाई मारती चली गई, जबकि उनकी वैल्यूएशन बढ़ती चली जा रही थी और रीज़न उसका कोई जानता नहीं था। तो रीज़न यह कस्टमर सेटिस्फेक्शन है और क्या। तो दोस्तों मेरी को मैं इस समय पर यही कहना चाहता हूँ कि ये जो नेगेटिव आपके पास में न्यूज़ चल रही है, ये किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं मार्केट में, अगर वो स्टॉक जिसके अंदर वो अपनी पोजीशंस बनाना चाहते थे लो के पास जाकर वो एक्युमुलेट कर सकें, है ना। और किसी के लिए आपके पास में थ्रेड बन सकती हैं जो हाई पर जाकर अपने प्रॉफिट्स को बुक ना कर पाए हों। तो दोस्तों मेरा तो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में जब भी कभी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो, और मार्केट में जब कभी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आती है, मार्केट में आपके पास में अचानक से बहुत तेज़ रैली आ जाती है, तब उस जगह पर अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की आदत भी डालो। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों मैं इतना ये बात मैं जानता हूँ कि जहाँ तक बात आती है रेगुलेशंस की, यार मेरे को नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट के अंदर जुड़ी कोई भी ऐसी इंटरमीडियरीज होती होंगी जिनको रेगुलेशंस को फॉलो ना करना पड़ता हो। भाई इतनी कंप्लायंसेस होती हैं, इतनी कंप्लायंसेस होती हैं कि आप ये समझो कि हमारी रिसर्च के अंदर हमारा टाइम अगर जाता है 60 से 70%, तो 30% पार्ट तो हमारा कंप्लायंसेस को पूरा करने में निकल जाता है। कि क्या हर एक चीज़ को लिखना, हर चीज़ को रिकॉर्ड करना, हर एक चीज़ के रैशनल्स को बनाना और अपने डिस्क्लोजर्स देना, मतलब अपने सारे मतलब ट्रेडिंग भी अगर आप कर रहे हो तो उनके भी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं। आप इनकम टैक्स के लिए मतलब इतने कागज़ नहीं तैयार करने पड़ते जितने अगर आप किसी इंटरमीडिएट बनते हो स्टॉक मार्केट की, तो आपको तैयार करने पड़ते। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो बाहर की फॉल्स रिपोर्ट्स हैं उनमें किसी तरीके का कोई दमवम है नहीं और वो कर कुछ भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो एक कैओस ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि मतलब कि हमारे को एक वाइज इन्वेस्टर की तरह काम करना चाहिए और कैओस से हट के हमें मार्केट के फंडामेंटल को समझना चाहिए। मार्केट इस समय जिस जगह पर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। मैं केवल अपने मार्केट्स की बात नहीं चल रहा, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में US को भी देख के चलोगे, अगर आप यूरोप के मार्केट्स को भी देख के चलोगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर है। डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर क्या होता है
कि किसी एक ने जो काफ़ी पीछे से अपने पोजिशन में प्रॉफिट को पोजिशन को क्रिएट करते हैं, कच्चे प्रॉफिट में, वो जनरली हैंड्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, मतलब प्रॉफिट को बुक कर रहे होते हैं। FIs के DIs के डेटा को देखोगे तो अभी आपके समझ में आ रहा होगा कि कहना कि हैंड्स को एक्सचेंज किया जा रहा है, मतलब हैंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। वापस ऐसे ही होगा कि जो जब हैंड्स एक्सचेंज होते हैं तब उस जगह पर वापस से किसी और जगह पर एक्विजिशन किया जाती है और सिप्स को शुरू किया जाता है। दोस्तों जो मेरी समझ है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, और मैं दोस्तों एक लिमिटेड ऑडियंस को कैटर करके चलता हूं, तो मैं उम्मीद करके चलता हूं कि उनको वक्त वक्त पर आकर उनको बताना और मार्केट को मतलब समझते हुए मेरी जो समझ है उसे शेयर करना, ये मेरा कर्तव्य बनता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट।